हेलो एवरीवन। सो एज यू गाइस आर अवेयर दैट आज 5 इयर्स लॉ प्रोग्राम का जो एक प्रोविजनल अल्फाबेटिकल मेरिट लिस्ट था वो आने वाला था। सो ऑफिशियली इट हैज बीन पब्लिश्ड ऑन द कैप पोर्टल ऑफ 5 इयर्स लॉ प्रोग्राम। ठीक है, सो आज मैं आप लोगों को ये वीडियो में यही बताने वाला हूँ इस चीज का इंपॉर्टेंस क्या है और अभी आपको एग्जैक्टली करना क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अल्फाबेटिकल कैंडिडेट लिस्ट समरी इनकम्प्लीट, महाराष्ट्र स्टेट वालों का कैंडिडेट लिस्ट OMS, जम्मू एंड कश्मीर NRI। ठीक है, तो ये सभी लिस्ट ऑलरेडी आ चुकी है। अभी आपको करना क्या है, सपोज मैं यहाँ पे ये अल्फाबेटिकल मेरिट लिस्ट जो महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स का है उनका मैं ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे एज यू गाइस कैन सी, यहाँ पे सभी डिटेल्स आपकी जो जो आपने फिल की थी, यानी कि आपका नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, प्रीवियस कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट, कैंडिडेचर टाइप, माइनॉरिटी, फिजिकली हैंडीकेप्ड है कि नहीं, एक्स सर्विसमैन, ऑर्फन, CET मार्क्स, HSC, SSC एंड स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये क्या है, ये जो आप लोगों ने कैप फॉर्म फिल किया कैप पोर्टल के ऊपर लॉग इन करने के बाद, उसके अंदर आपने जो जो डिटेल्स एंटर की, यानी कि आपका नेम अगर चेंज हुआ है तो नेम चेंज क्या है, ठीक है, अगर आपने HSC या फिर SSC के परसेंटेज गलत डाल दिए थे पहले और अभी आप लोगों ने करेक्ट किए हैं, तो अभी आप लोगों ने जो कैप फॉर्म भरा इन शॉर्ट उसके अंदर जो जो डिटेल्स फिल की है और वो वेरीफाई हो चुकी है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे डिटेल्स रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, आपको क्या करना है, खाली आपको आपकी डिटेल्स चेक करनी है, आपकी सभी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन जो है वो राइट है, करेक्ट है। ठीक है, और अभी यहाँ पे स्टेटस ऑफ द एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पे कन्फर्म्ड और डॉक्यूमेंट्स हैविंग डिस्क्रिपेंसी, ये दो चीज देखने को मिलेगी। डॉक्यूमेंट्स हैविंग डिस्क्रिपेंसी, इसका मतलब क्या है कि जिन जिन लोगों का फॉर्म कोई भी रीजन से वेरीफाई नहीं हुआ था बाय द ई स्क्रूटिनी टीम और उनका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा था, ठीक है, सो अभी लास्ट डेट तो था 30th November, आपको पता है, राइट, तो अभी नाउ एज द लिस्ट हैज बीन रिलीज्ड, तो अभी 10th December तक फॉर्म एडिटिंग हैज बीन रीओपन्ड और जिन जिन लोगों में डॉक्यूमेंट्स हैविंग डिस्क्रिपेंसी है वो लोग आपका एप्लीकेशन फॉर्म अनलॉक कर सकते हो, आपका कॉलेज ऑप्शन फॉर्म भी अनलॉक कर सकते हो, कॉलेज ऑप्शंस भी आप वापस से फिल कर सकते हो, और डॉक्यूमेंट्स हैविंग डिस्क्रिपेंसी है और अगर आपको आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में चाहिए तो यहाँ पे आपको अनलॉक करना पड़ेगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, और जो भी रीजन था वेरिफिकेशन ना होने का, डॉक्यूमेंट रीअपलोडिंग का या फिर कुछ भी, तो आप कर सकते हो। और बाय चांस सपोज किसी का फॉर्म वेरीफाइड भी था, सब कुछ करेक्ट था, बट यहाँ पे अगर वो लोग अपनी डिटेल्स चेक कर रहे हैं और उनको लग रहा है सपोज उसके नाम के अंदर कोई सरनेम में मिस्टेक है या फिर स्पेलिंग मिस्टेक है, कुछ भी इशू लग रहा है, फिर भी यहाँ पे कंफर्म दिखा रहा है, स्टिल यू गाइस कैन अनलॉक द एप्लीकेशन फॉर्म एंड मेक द रिक्वायर्ड चेंजेस। ये डिटेल्स वही डिटेल्स है जो आप लोगों ने कैप फॉर्म फिल करते टाइम पे एंटर की थी। अगर आपने कैप फॉर्म फिल करते टाइम पे कोई मिस्टेक की होगी तो यहाँ पे मिस्टेक वाली चीज रिफ्लेक्ट हो रही होगी, और आपको अगर चेंज करना है कुछ भी, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी या फिर कुछ भी आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोगों को खाली अनलॉक एप्लीकेशन फॉर्म करना है और अनलॉक ऑप्शन फॉर्म करना है, ठीक है, एंड देन यू विल बी एबल टू एडिट योर एप्लीकेशन फॉर्म एज वेल एज कॉलेज ऑप्शन फॉर्म। बाय चांस किसी को अपने कॉलेज प्रेफरेंसेस चेंज करने हैं जो उन लोगों ने पहले डाले थे, नाउ दे आर फीलिंग दैट दे कैन गेट सम गुड कॉलेज और या फिर कुछ उनको चेंजेस करना है इन शॉर्ट प्रेफरेंसेस में, then they can make the changes in the preference list also by unlocking the application form as well as option form. ठीक है, in short अगर आपकी details सही है तो आपको कुछ नहीं करना है, और अगर आपको लगता है कि आपका form verified था फिर भी कुछ गलती है या फिर verified नहीं था तो आप unlock करके changes कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक important चीज मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगा, ये है summary। ठीक है, तो summary के अंदर simply यही लिखा है, students eligible through CET, जिन जिन लोगों ने examination दिया था, टोटल 16,000 लोगों ने एग्जामिनेशन दिया था, स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड थ्रू CET, यानी कि जो कैप प्रोसेस है उसमें कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, इतने लोगों ने 12,481 स्टूडेंट्स लॉक्ड थ्रू CET, यानी कि इतने लोगों ने उनका एप्लीकेशन फॉर्म लॉक कर दिया था। ठीक है, और स्टूडेंट्स नॉट लॉक्ड, उन सबका इन शॉर्ट समरी है, फुल्ली ई वेरीफाइड, यानी कि इतने लोगों का पूरा प्रोसेस खत्म हो चुका है, यानी कि कैप फॉर्म में जो जो डिटेल्स उन लोगों ने भरी थी, जो जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, सब कुछ प्रॉपरली वेरीफाई हो चुका है बाय द ई स्क्रूटिनी टीम। पार्शियली ई वेरीफाइड, यानी कि हम लोगों ने जो डिस्कस किया, डॉक्यूमेंट्स हैविंग डिस्क्रिपेंसी, यानी कि कोई डॉक्यूमेंट गलत है या फिर
वेरिफिकेशन पेंडिंग है, इतने लोग हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको पता चलेगा कितने एमएच स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेटा, जो लोग हमेशा पूछते हैं कि सर ओएमएस कैंडिडेट्स कितने हैं आउट ऑफ दिस थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे उन लोगों ने बताया एमएच स्टूडेंट्स लॉक्ड थ्रू सीईटी एंड लॉक्ड एंड फुल्ली ई वेरीफाइड थ्रू सीईटी। लॉक करना यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर दिया है, बट जिन जिन लोगों का फॉर्म सबमिट भी हो चुका है और फुल्ली ई वेरीफाई भी हो चुका है बाय द सीईटी सेल, एमएच कैंडिडेट्स इतने हैं टोटल 8748। ओएमएस स्टूडेंट्स लॉक्ड एंड फुल्ली ई वेरीफाइड थ्रू सीईटी इतने हैं स्टूडेंट्स। तो आपको प्रॉपरली एक नंबर मिल चुका है एग्जैक्ट कि इतने लोग हैं कंपटीशन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ई वेरिफिकेशन इज नॉट फुल प्रूफ वेरिफिकेशन, फाइनल वेरिफिकेशन विल हैपन एट द कॉलेज लेवल ओनली। यानी कि अभी आपका फॉर्म वेरीफाई भले ही हो चुका हो, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी आपके सब डॉक्यूमेंट्स करेक्ट है। काफी लोगों ने अभी रिसिप्ट अपलोड किया है कोई रिजर्वेशन कैटेगरी को क्लेम करते हुए। अगर फर्स्ट राउंड में एडमिशन लेना है आपको, तो जो कॉलेज में अब जाओगे तब तक आपके पास वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट नहीं हुआ देन योर एडमिशन विल बी कैंसल्ड, ठीक है। एंड इवन दो योर फॉर्म इज वेरीफाइड राइट नाउ, इफ एट द कॉलेज लेवल एनी डॉक्यूमेंट इज नॉट प्रॉपर और एनी डॉक्यूमेंट इज नॉट करेक्ट, तो आपका एडमिशन वहां पे भी कैंसिल हो सकता है। सो डोंट बी अंडर दैट इंप्रेशन दैट आपका फॉर्म अभी वेरीफाई हो चुका है तो आपका प्रोसेस पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है। इतने लोगों ने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है, जो हम न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जाके हम लोग ने अपना लॉग इन आईडी क्रिएट किया था, तो इतने लोगों ने तो क्रिएट ही नहीं किया है। नाउ दे कैन रजिस्टर देमसेल्व्स इन द सेकेंड राउंड एज पर द शेड्यूल, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ चुका होगा कि हमारा जो प्रोसेस है वो अभी कैसे काम कर रहा है। कोई एक्सटेंशन या फिर कोई डिले नहीं है पूरे प्रोसेस में। प्लीज फॉलो द डेडलाइंस गिवन। यहाँ पे फॉर्म एडिटिंग हैज बीन स्टार्टेड टिल 10th of December। यहाँ पे आप लॉग इन पे क्लिक करने के बाद आपका जो लॉग इन आईडी और पासवर्ड है उसको एंटर करने के बाद, आप लॉग इन करने के बाद अनलॉक करके कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है। प्रोविजनल अल्फाबेटिकल मेरिट लिस्ट के अंदर मेन आपको खाली आपकी डिटेल्स चेक करनी है इन शॉर्ट। और अभी जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट में मोस्टली आपको एक मेरिट नंबर दिया जाएगा, दैट विल बी अ प्रॉपर रैंक, ठीक है। जो आपको रिजल्ट का पीडीएफ था उसके अंदर भी एक रैंक एसआर नंबर आपको मिला था, बट अभी जिन जिन लोगों ने कैप प्रोसेस के लिए रजिस्टर किया है उन लोगों को ही कॉलेज मिलने वाला है, राइट। तो उसके अंदर से आपको एक मेरिट नंबर दिया जाएगा, दैट विल बी प्रोवाइडेड मोस्टली इन द फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। जब वो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा तब उसके ऊपर भी हम वीडियो पोस्ट कर देंगे, ठीक है। बट राइट नाउ अभी आपको खाली डिटेल्स चेक करनी है, और डिटेल्स अगर गलत है कुछ चेंजेस करने हैं आपको, अनलॉक एप्लीकेशन फॉर्म ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और आपका एप्लीकेशन फॉर्म अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। और कॉलेज ऑप्शन फॉर्म भी आप वापस से बना सकते हो। सो यू हैव द अथॉरिटी टू डू दैट, सो काइंडली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू यू। एंड लास्ट डेट यहाँ पे 10th December है, तो 10th December तक ही आप एडिट कर सकते हो। माई रिकमेंडेशन, डोंट वेट फॉर द लास्ट डे, यू कैन फिल द फॉर्म राइट नाउ इफ यू आर रेडी विद द डॉक्यूमेंट्स और एनीथिंग लाइक दैट, एंड आप कर दो। 24 आवर्स लगते हैं मोस्टली वेरीफाई होने में, तो आपको पता चल जाएगा। अगर वापस से कोई रिजेक्ट होता है तो आपको और टाइम मिलेगा थोड़ा अपलोड करने के लिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप द डाउट्स वर प्रीटी मच क्लियर, एंड विल अपडेट यू एज सून एज द प्रोसेस गेट्स फॉरवर्ड, ठीक है। स्टे अपडेटेड ऑन आवर यूट्यूब चैनल, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल काइंडली डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। विल ब्रिंग ईच एंड एवरी सिंगल अपडेट रिगार्डिंग एमएचसीईटी लॉ 3 ईयर्स एज वेल एज एमएचसीईटी लॉ 5 ईयर्स प्रोग्राम। या थैंक यू सो मच।